ठीक है, देखो हम क्या पढ़ रहे थे भाई लास्ट क्लास में। YDSC हमने पढ़ लिया था, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी पढ़ लिया था ना, तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे ना क्वेश्चंस के। तो हमने क्या देखा था, लॉयड्स मिरर है ना। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है, फ्रेंजल बाइप्रिज्म। उसको करने से पहले चलो एक चीज़ और पढ़ लें। एक चीज़ और होती है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, हम बोलते थे फ्रेंजल्स मिरर। जैसे लॉयड का मिरर होता है ना, वैसे ही फ्रेंसल्स मिरर भी होता है। तो इसको मैं तुम्हें क्वेश्चन की तरह दे रहा हूँ, तुम्हें सॉल्व करना है इसको। यहाँ पे एक स्क्रीन रख दी, यहाँ पे अल्टीमेट पर्पस क्या है, इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए एक सोर्स को, एक तरह से उसकी लाइट को दो पार्ट में डिवाइड करना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट हमने कहीं यहाँ पे रख दिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और मिरर्स को मैं दो मिरर्स को इस तरह से रख देता हूँ। मान लो किसी एंगल थीटा पे रख दिया, अब बताओ इंटरफेरेंस होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, सोचो। ये अरेंजमेंट है फ्रेंसल का ना, फ्रेंसल्स मिरर। अरे इनकी इमेजेस बनाओ ना, ये तुम्हारा सोर्स ऑब्जेक्ट नहीं है, सोर्स भी है ना साथ में लाइट का। देखो इस मिरर में इमेज कहाँ पे आएगी, मान लो ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ये डिस्टेंस कुछ स्मॉल ए है ऑब्जेक्ट का, और ये डिस्टेंस मान लो कुछ बी मान लेते हैं। तो क्या होगा भाई, सोर्स की इमेज कहाँ पे आएगी बताओ, ऐसी आती है मिरर के। मिरर में तो सिंपल होता है, ये जो डिस्टेंस होगा उतने ही डिस्टेंस अंदर आएगी, तो यहाँ से कहीं यहाँ पर आ जाएगी। हमको पता ही है दोनों डिस्टेंस बराबर हो, इसको S1 बोल देते हैं। सिमिलरली ये वाला मिरर भी एक इमेज बना रहा होगा, S2। तो अब इसकी जगह ये S1 और S2 सोर्स की तरह एक्ट करेंगे ना, तो इनसे लाइट जाके इंटरफेयर कर रही होगी। यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा, से यहाँ पे कोई पॉइंट P है, तो एक लाइट इस सोर्स से आ रही होगी, P सोर्स से आ रही होगी एक लाइट, एक P1 से आ रही होगी, इसे P सोर्स से आ गई, S1 से आ गई ये लाइट, और असलियत में आई कैसी होगी, इससे टकरा के, असलियत में तो इससे टकरा के ही आई होगी, और एक लाइट यहाँ से भी आ रही होगी वहाँ पे। तो दो लाइट आ रही है ना सेम सोर्स से, S1 S2 दो सोर्स हैं, दोनों कोहेरेंट हैं क्योंकि दोनों इसी इस सोर्स की इमेज हैं, और देखो दोनों सोर्सेस से लाइट निकल के P पॉइंट पे पहुँच रही है, तो इंटरफेरेंस होगा, और ये लाइट एक्चुअली वहीं कहाँ से होगी, और इधर से टकरा के वापस गई होगी। तो हमको लग रहा है कि लाइट्स S1 S2 से आ रही हैं, असलियत में तो यहीं से रिफ्लेक्ट होकर जा रही हैं। तो अब सॉल्व करने के लिए क्या है, तो मैं कैपिटल डी चाहिए होता है, तो बताओ कैपिटल डी कितना होगा, स्मॉल डी चाहिए होता है, बताओ स्मॉल डी कितना होगा, निकल। और यहाँ पे हम बताए कोई ऑब्स्टेकल रख देते हैं ना, कुछ भी रख देंगे यहाँ पे, कोई भी ऑब्स्टेकल वगैरह क्यों रख देते हैं, हम चाहते हैं कि डायरेक्ट रेज ना जाए, क्योंकि ये दोनों सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं ना, तो इन दोनों का इंटरफेरेंस करवाना है, तो कुछ तरीके होते हैं ना, उसको ऐसे कवर कर देंगे जो भी सोर्स है, डायरेक्ट रेज नहीं जाएंगे वहाँ पे। बताओ कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या होंगे, प्लेन मिरर का क्वेश्चन है आसान सा, करा गए तुम लोगों ने, कितना आ रहा है स्मॉल डी, 2a, स्मॉल डी बोल रहे 2a sin 2θ, ठीक है चेक करते हैं। और कैपिटल डी कितना आ रहा है, 2a cos स्क्वायर थीटा प्लस b, पक्का, ठीक है देखते हैं चलो। तो सबसे पहले तो देखो हमें पता है मिरर के जितने आगे ऑब्जेक्ट होता है उतने ही पीछे इमेज होती है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होंगे, ये वाला डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये थीटा है, ये 90 - θ होगा, ये क्या हो जाएगा थीटा। तो अगर ये a है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना, ये a है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, अरे ये थीटा है भाई, a cos थीटा, अगर ये a cos थीटा है तो ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी, a cos थीटा, ठीक है।
तो हमें ये पता चल गया ये ए कॉस थीटा है। अब हमको क्या निकालना है, अब देखो ये पूरा का पूरा देखो, ये भी एक और राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, दिख रहा है ना, ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये 2a cos थीटा है और ये एंगल थीटा है, तो इसका यहाँ पे कंपोनेंट कितना आएगा, मतलब ये लेंथ कितनी हो जाएगी, मैं ये बोल रहा हूँ, ये लेंथ मुझे बताओ फाइनली कितनी हो जाएगी। 2a cos थीटा हाइपोटेन्यूस है, इसका यहाँ पर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, 2a cos स्क्वायर थीटा, ठीक। और 2a cos थीटा का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये लेंथ क्या हो जाएगी, 2a cos थीटा साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ए साइन 2 थीटा। तो कैपिटल डी कितना हो गया अपना, कैपिटल डी दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, तो 2a cos स्क्वायर थीटा प्लस बी, ये सही आया मतलब हमारा, ठीक है। और ये डिस्टेंस, ये देखो ये d बाई टू है, d तो इसको बोलते हैं हम, तो इसका डबल हो गया ना स्मॉल d, ये कितना है तुम्हारा a साइन 2 थीटा, तो स्मॉल t कितना हो गया 2a साइन 2 थीटा, तो हो गया। देखो अब इसमें वैल्यू दी होंगी तुमको a थीटा और b की, तो तुम बता दोगे फ्रिंज विड्थ क्या होगी, वो तो आसान है ना, लैम्डा कैपिटल d बाय स्मॉल d। तो दिक्कत बस कैपिटल डी और स्मॉल डी निकालने की थी, और वो भी कोई कठिन नहीं है, आसान है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, करना होता है हमको। अब फ्रेंसेल मिरर हो गया, अब लिख लो फ्रेंसेल्स बाइप्रिज्म। चलो इससे पहले, इसको करने से पहले ये बता दो, थिन प्रिज्म अपन ने पढ़ा था ना, थिन प्रिज्म जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत कम हो, ये स्मॉल है क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, उसको ही थिन प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो थिन प्रिज्म में क्या होता है, अपन ने देखा था कोई भी अगर हम बताएं सोर्स रखते हैं ना यहाँ पे, इसमें डेविएशन कितना होता था बताओ, खास बात क्या थी थिन प्रिज्म की, म्यू माइनस वन इंटू ऑलवेज है ना, ऑलवेज, और डेविएशन इंडिपेंडेंट ऑफ आई होता था, लाइट किसी भी एंगल पे इंसिडेंट करे डेविएशन हमेशा ही इतना होगा, म्यू माइनस वन इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स है, मान लो सोर्स से लाइट निकल के गई, ये सोर्स है तुम्हारा, तो सोर्स से लाइट निकल के गई ना, तो जाना तो ऐसा चाह रही थी, पर ये डेविएट कर देगा, फिर लाइट कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा तुम्हारा, डेल, ठीक है। अब तुम्हें एक्चुअली में लग रहा होगा लाइट जाना ऐसा चाह रही थी और ऐसी चली गई, तुम्हें लग रहा होगा, और ऐसे तुम बताएं एक और बना सकते हो निकालने के लिए चाहो तो, ये एक और लाइट की रे बनाओ, ये भी कुछ ऐसी चली जाएगी, ये भी डेल पे हो जाएगी ना। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, इस सोर्स की ये इसकी इमेज आ गई, आ रहा है समझ में, क्योंकि दो रिफ्रैक्टेड रेज हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो दोनों रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो एक्चुअली में इस पॉइंट से आती हुई लग रही हैं, तो ये इमेज की तरह बिहेव करेगा। तो ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, ये जो डिस्टेंस है, ये समझ में आएगा। थिन प्रिज्म का काम है कोई भी रे आएगी उसको डेल एंगल से डेविएट कर देगा, तो उसने डेल एंगल से डेविएट करा, ठीक है। तो अच्छा देखो, अगर ये एंगल डेल है तुम्हारा, तो मैं बोल सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली ये वाला एंगल भी डेल होगा, अप्रोक्सीमेटली, और ये एंगल डेल होगा तो हमारा, एक सेकंड, मैंने कौन सा डेल बोला है, ये वाला एंगल डेल होगा हमारा, ठीक है, और ये एंगल डेल होगा तो, ठीक है, तो ये वाला एंगल हमारा डेल है, और से जो सोर्स है वो हमने प्रिज्म से कुछ से स्मॉल ए डिस्टेंस पर रखा था, तो हमारा जो ये डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, ए डेल, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं पर अप्रोक्सीमेटली ए डेल हो जाएगा, लिख लो, क्योंकि डेल भी एक बहुत स्मॉल एंगल है, क्योंकि अगर ए स्मॉल है तो डेल भी स्मॉल होगा, तो हम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं ये एंगल तुम्हारा ए डेल है। अब फ्रेंसेल ने क्या करा, ऐसे दो प्रिज्म यूज करके एक अरेंजमेंट बनाया, देखो ऐसे दो प्रिज्म यूज करे, थिन प्रिज्म, एक ऐसा ले लिया
अभी हम दिखाने के लिए एंगल बहुत बड़ा दिखा रहे हैं, असलियत में बहुत ही छोटा एंगल है ना, ये दो प्रिज्म यूज़ करें, इसलिए इसको बाई प्रिज्म बोलते हैं। यहाँ पर स्क्रीन रख दी, यहाँ पर हमने सोर्स रख दिया हमारा जो लाइट को इमिट कर रहा है। से सोर्स का डिस्टेंस प्रिज्म से ए है और प्रिज्म के स्क्रीन से डिस्टेंस कुछ बी है, ठीक है। तो इससे जो लाइट निकल रही होगी हमारी, एक लाइट तो ऐसे डाल दो, तो कई तरीके से डाल सकते ना। पहले मैं फर्स्ट प्रिज्म से दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड प्रिज्म कोइंसाइड कर रहे हैं, तो मैं अलग अलग कलर से दिखा देता हूँ लाइट को। तो फर्स्ट प्रिज्म से जो लाइट जा रही होगी वो कुछ इस तरह से जा रही होगी, अब यहाँ पे जाएगी और डेल एंगल से डेविएट कर जाएगी, प्रिज्म का तो काम ही है। तो ये फर्स्ट प्रिज्म से हुआ है ना, डेल एंगल डेविएट कर रही लाइट, और एक्सट्रीम एक लास्ट लाइट यहाँ से डेविएट कर रही होगी। यहाँ से भी क्या होगा, जो भी आ रही थी उससे डेल एंगल से डेविएट कर जाएगी। तो एक्चुअली समझ रहे हो ना, यहाँ पे हो क्या रहा होगा, ये बना दो और ये बना दो तुम्हारा, अब वो रफ डायग्राम है हमारा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया S1, ये इस सोर्स की इमेज है यहाँ पर, किस प्रिज्म के कारण, फर्स्ट प्रिज्म के कारण। सिमिलर वे में दूसरी इमेज आ रही होगी सेकंड प्रिज्म के कारण, उसको भी बना देते हैं। एक रे तो बिल्कुल ऐसे जा रही होगी और ये क्या करेगा, डेल डेविएट करेगा, ये क्लॉकवाइज कर रहा था तो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज डेविएट करेगा, तो ये लाइट यहाँ से कुछ ऐसी चली जाएगी डेल एंगल पे, ठीक है। और लास्ट लाइट कहाँ से जाएगी, लास्ट लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो ऐसे जाना चाह रही थी, कुछ डेल एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये लाइट कुछ ऐसे जा रही है तुम्हारी। अच्छा सबसे पहले तो ये बता दो, इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगी कहाँ पे, कौन से रीजन में दिखेगी, स्क्रीन पे, इस पूरी स्क्रीन पे दिखेगी क्या इंटरफेरेंस पैटर्न। अरे ब्लू लाइट मतलब समझ लो ये कोई दूसरा सोर्स है यहाँ पे, ये S2 बन गया, ये लाइट बताए S2 सोर्स से निकलती हुई दिख रही है, वाली लाइट S1 सोर्स से निकलती हुई दिख रही है, समझ गए ना। एक सोर्स को तुमने दो में डिवाइड कर दिया, तो बताओ इंटरफेरेंस पैटर्न कहाँ दिखेगी, समझ रहे हो ना। क्योंकि जहाँ पे दो सोर्सेज से लाइट, दो कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट मिलती है वहीं पे तो इंटरफेरेंस पैटर्न आती है। इस रीजन में से ब्लैक वाली लाइट है, ब्लू वाली लाइट नहीं है, मतलब ब्लैक वाले सोर्स से, इस रीजन में से ब्लू वाले सोर्स से लाइट है, यही वो रीजन है जहाँ पे दोनों सोर्सेज से लाइट आ रही है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न सिर्फ इतनी ही जगह पे दिखाई देगी, पूरी स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगी, रीजन ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। ये क्लियर है क्या, देखो बिल्कुल आराम आराम से बता रहा हूँ अभी क्या क्या हो रहा है ना, बुक वगैरह में पढ़ के कुछ समझ में नहीं आता है, सीधा डायग्राम पूरा का पूरा बना होगा। और अभी ये क्लियर है, अब बताओ जल्दी से स्मॉल डी क्या होगा और कैपिटल डी क्या होगा। कैपिटल डी तो मेरे ख्याल से क्लियर है ना, कैपिटल डी यहाँ पे क्या है हमारा, ये तो हमको गिवन ही हो गया ना, ए प्लस बी, क्योंकि ये सोर्सेज है, सोर्सेज और है ना स्लिट्स की तरह, ये स्मॉल डी बताओ कितना होगा, ये कितना हो जाएगा ए लैम्डा, और ये भी कितना हो जाएगा ए लैम्डा, तो स्मॉल डी कितना हो गया 2a लैम्डा। अब तुम बीटा निकाल ही लोगे, लैम्डा कैपिटल डी बाय, बस इतना ही है, बना लो फटाक से। अच्छा ये भी पूछ सकते हैं भाई, रीजन ऑफ ये विड्थ बता दो कितनी है, जहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रही है वो विड्थ कितनी है बताओ, 2b डेल है ना, 2b डेल होगी, क्योंकि डेल स्मॉल एंगल है, ये b डेल होगी और ये भी b डेल। अब हमारा डायग्राम थोड़ा सा रफ है ना, तो वो ठीक है, देखो एक बाइप्रिज्म ले लेते हैं, इसका एंगल है तुम्हारा 1.8 डिग्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ग्लास का ये मान लो तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और हम इस पे स्क्रीन को यहाँ पे रख देते हैं, स्क्रीन को हमने रखा हुआ है कुछ डिस्टेंस 2 मीटर पे, और इस पर हम सारी की सारी पैरेलल लाइट ऑफ बीम डाल रहे हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो बताओ भाई, पहला
फाइन. फ्रिंज विड्थ सेकेंड. लेंथ ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न. लेंथ ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन. थर्ड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास. टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास या फिर टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस कुछ भी बता देना. टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस मेरे ख्याल से डेटा सफिशियंट है. यहाँ पे तुम्हारा सोर्स कितनी दूरी पे है तो ए क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी. बी कितना है? टू. करो सॉल्व. बीटा जीरो आ रहा है. कितना आ रहा है? लैम्डा बाई टू डेल. देखते हैं. अच्छा वेवलेंथ नहीं थी ना. वेवलेंथ रख लो यार. 500 नैनोमीटर ले लो. चलो करते हैं ना. सबसे पहले तो डेल कितना होगा तुम्हारा बताओ. म्यू माइनस 1 इंटू ए. तो म्यू कितना है? 1.5 माइनस 1 इंटू ए कितना है बताओ? 1.8 है. ए रेडियन में होता है ना. हमेशा रेडियन में रखना होता है ना. जब तुम बोलते हो आर्क लेंथ आर थीटा है उसमें थीटा कभी भी डिग्री में नहीं हो सकता. By definition थीटा किस में होता है? रेडियन में. तो 1.8 डिग्री में कितने रेडियन है ना? पाई बाय 180 डिग्री. क्या? अरे हाँ भाई 100 कर दे रहे लो. तो डेल कितना आ गया तुम्हारा? पाई बाय 200. ये आ रहा है देख लो पहले. तो डेल तुम्हारा आ गया पाई बाय 200 मीटर. ये तुम्हारा डेविएशन है थिन प्रिज्म के कारण. इसमें गलती हो सकती थी सबसे पहले तो रेडियन और डिग्री की. क्या वो कुछ गलती कर दी है क्या? ऐसे देख रहे हो तुम लोग. नहीं. अगला क्या चाहिए हमको? हमको देखो क्लियरली दिख रहा है कि बी तो 2 मीटर है और ए कितना है हमारा? इन्फिनिटी. पैरेलल बीम है लाइट के. मतलब सोर्स हमारा इन्फिनिटी पे है. ठीक है. तो हमें क्या चाहिए? हाँ हमको चाहिए. अब क्या चाहिए? बीटा चाहिए. और बीटा क्या होता है? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. कैपिटल डी कितना होता है तुम्हारा? ए प्लस बी. और स्मॉल डी कितना होता है तुम्हारा? 2 ए लैम्डा. अब ए को इन्फिनिटी ऐसे मत करो. यहाँ पे दो जगह आ रहा है ना. मैथ्स में लिमिट्स पढ़ा है ना. इतनी लिमिट्स तो आती है तुमको. बेसिक लिमिट्स है ना. तो नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं ना. तो लिमिट्स पढ़ के लगता है ये सब क्या फालतू की चीज़ें, इनका क्या यूज़ है. तो इनका यूज़ होता है रियल वर्ल्ड में. जैसे एक यूज़ हमें यहाँ पे दिख रहा है. तो अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या है. ए टेंड्स टू इन्फिनिटी. तो लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू दिस लिमिट ए टेंड्स टू इन्फिनिटी. तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है बताओ? ए से डिवाइड कर दो. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ए से डिवाइड कर देते हैं. तो ये आ जाएगा 1 प्लस बी बाय ए. और ये तो 2 लैम्डा आ जाएगा. देखो यही आ रहा है. अब ए को इन्फिनिटी रख दो तो सम फाइनाइट नंबर बाय इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? 0. समझ में आ रहा है? एज ए टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई ए टेंड्स टू 0. तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा? लैम्डा. ये तो 0 हो गया. आ रहा है समझ में? लैम्डा बाय 2 डेल. हाँ तो ये आंसर सही है. लैम्डा बाय 2 डेल. तो यहाँ पे हमारा लिमिट का कंसेप्ट भी यूज़ हो गया और उसकी फीलिंग भी आ गई कि भाई लिमिट क्या होती है, क्यों होती है. ऐसे फिजिक्स में बहुत जगह यूज़ होती रहती है. देखो किसी को कुछ डाउट हो तो. अब वैल्यू रख दो भाई. लैम्डा कितना है तुम्हारा? 500 नैनोमीटर. और डेल है तुम्हारा? नहीं. डेल कितना है? हाँ डेल. डेल को हमने रेडियन में होगा ना. डेल तो डेल को मीटर में क्या होगा? डेल तो रेडियन में होगा. तो 500 नैनोमीटर बाई 2 इंटू पाई बाय 200. तो आ गया 10 पावर 4 इंटू नैनोमीटर. तो कितना बन गया ये? 10 पावर माइनस 5 बाय पाई. ठीक है. खैर वो तो छोड़ो. बताओ लेंथ ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होगा? ये होगा एक लाइट ऐसे चली जाएगी, एक लाइट ऐसे चली जाएगी. अच्छा 5 को मिस कर दिया मैंने. ठीक है 5 बाय पाई. 5 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 10 पावर माइनस 5 मीटर. ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है.
तो W कितना हो जाता है तुम्हारा? यही तो पूछ रहा है सेकंड वाले क्वेश्चन में, W ही तो पूछा गया है। तो कितना आ जाएगा W तुम्हारा है 2B लैम्डा, B कितना है 2 और लैम्डा कितना है पाई बाय 200, तो ये कितना आ गया तुम्हारा पाई बाय 50 मीटर। तो ये होगी लेंथ, होगी इंटरफेरेंस पैटर्न की लेंथ इतनी होगी। और क्या पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस भाई कैसे निकालेंगे, क्या होगा अनिरुद्ध किसको W को, ऑब्वियस ही बात है ना इतने में आ रही है भाई इंटरफेरेंस, और बीटा है तुम्हारा इतना है तो बीटा से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या हो जाएगा W बाय बीटा, वो तुम सॉल्व कर लेना।